अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, आज मेरे बड़े बेटे शेजान का बर्थडे है, तो यही एक मेरा छोटा सा व्लॉग मैं बना रही हूँ। तो मैं ये रात के प्रिपेयर कर रही थी कि रात के 12 बजे हम उसको सरप्राइज़ देंगे और पिज़्ज़ा वीज़ा बना लेंगे या छोटा मोटा कुछ ऐसा फंक्शन करेंगे। तो मैंने ये यहाँ पर पास्ता बेक कर लिया था और रात को हम थोड़ा लेट ही खाना खाए थे, तो बस खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं और अब बस थोड़ी देर में 12 बजने ही वाले हैं। तो हमने थोड़ा उसके लिए सरप्राइज़ किया था, केक वगैरह काटे। तो मेरे घर में थोड़े गेस्ट भी आए थे, मेरी बहन और बहन के बच्चे, कि आज शेजान भाई का बर्थडे है तो हम जाएंगे वहाँ और थोड़ा वो सेलिब्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पास्ता बना लिया था और ये केक वगैरह सब लेके आए थे। तो बस ये केक कटिंग हो रही है, बच्चों ने भी गिफ्ट दिया उनको, शेजान को छोटे छोटे भाई लोग और बहन ने गिफ्ट दिया उनको, छोटा छोटा परफ्यूम्स वगैरह, डीओ और कैडबरी चॉकलेट्स वगैरह सब शेजान को गिफ्ट मिला। और फिर 12 बजे उसके दोस्तों का फ़ोन आया, रात के 12 बजे वो सोसाइटी के नीचे आए थे तो वहाँ पे भी उसने केक कटिंग किया। फिर फिर हम लोग नेक्स्ट डे शाम को फिर हम लोग उसको थोड़ा आउटिंग के लिए लेके गए, फिर देन पिक्चर गए। पिक्चर वो बहुत दिन से बोल रहा था कि हम मॉम हम लोग कोई मूवी साथ में नहीं देखे, तो फिर हम लोग थोड़ा मूवी देख लिए और मूवी देखने के बाद में थोड़ा फिर रात को बाहर डिनर वगैरह किए एंड देन दिन ख़त्म हो गया। वैसे उसका बर्थडे हर 2 साल से हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन था, फिर उससे पहले भी नहीं हो पा रहा था, वो 10th में था, फिर देन 2 साल लॉकडाउन हो गया तो इसके लिए हुआ नहीं। तो इस बार बोला सोचा चलो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन ही कर लेते हैं। तो बस वहीं थोड़ा आउटिंग किया, पिक्चर देखे, मूवीज़ में गए, फिर थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर बस घर पे। उसका दिन भी बहुत इंजॉय किया। दोपहर में वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर चला गया था, दोपहर में दोस्त भी कह रहे थे कि थोड़ा टाइम हमारे साथ स्पेंड करो, तो दोपहर में वो वहाँ था। फिर दिन ख़त्म। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।